आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बांकलीवाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीमती फौजिया शेख अलीम के आह्वान पर गरीब असहाय और बुजुर्गों को कपकपाती ठंड में अमानवीय तरीके से शर्मसार करते हुए शहर के बाहर खुले आसमान में मरने के लिए छोड़ने वाले मामले में कांग्रेस पार्टी ने संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। संबंधित दोषी अधिकारी को हटाने की मांग की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वर्गीय श्री जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव जी, पंडित कृपा शंकर शुक्ला, भवर शर्मा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि यादव, सेवा दल के संगठन मुकेश यादव, सुरेश मिंडा, देवेंद्र सिंह यादव, राजेश चौक से, चिंटू चौक से संजय बांकलीवाल, इम्तियाज बेलिम, धर्मेंद्र गेदर, शैलेश गर्ग, जैनेश झांझरी, पुष्पराज पुखराज राठौर, शेलू सैन, संजय शुक्ला, हरिहर नगर सहित पूर्व पार्षदगण व ब्लॉक और मंडलम अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे।